अहिल्या की नगरी इंदौर में 15 दिसंबर को कुश्ती का महादंगल आयोजित होने जा रहा है। आयोजन की जानकारी देते हुए प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त पहलवान गम्मू पहलवान ने बताया कि इस दंगल का मूल उद्देश्य नए पहलवानों को मौका देकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना है। साथ ही उन्होंने कुश्ती कला के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी। मध्य प्रदेश में जब भी खेलों की बात होती है, इंदौर का नाम सरफहरिस्त रहता है। यहाँ के कई खिलाड़ियों ने अपने खेल के साथ साथ इंदौर का नाम भी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक रोशन किया है। चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। गम्मू पहलवान काला चीता, आपको काला चीता का खिताब कब और कहां से मिला, इसी से शुरुआत करते हैं। काले चीते का खिताब प्रकाश चंद शेट्टी मुख्यमंत्री थे उस दौरान दिया गया था, जब चंद्रभाष शेखर और राधा किशन मालवीय मिनिस्टर थे। नेहरू स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था, शेट्टी जी उस प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने मेरी कुश्ती देखने के बाद ये कहा, कहने लगा ये बच्चा किसका है, इधर बुलाओ इसको। मैं उनके पास गया और कहने लगा कि यार तुम तो बिल्कुल चीते की तरह लड़ते हो, तुम्हारा नाम आज से गम्मू पहलवान काला चीता रख देते हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने साहब थोड़ा सा आप तवज्जो देंगे तो पहलवानी में बहुत आगे जाएगा मामला। उसी वक्त उन्होंने नगर निगम के अफसरों को बुलाकर कहा कि भाई इनका जो भी है महीना बांध दिया जाए पहलवानी के खर्चे के हिसाब से। इस हिसाब से मेरा नाम उस दिन से आज तक काला चीता पड़ गया। उस दौर और इस दौर में पहलवानी में आपने क्या अंतर देखा है? उस दौर के अंदर गद्दे की कुश्तियों का तो कोई जिक्र ही नहीं था, मट्टी की कुश्ती हुआ करती थी। तमाम पहलवान हिंदुस्तान के मट्टी की कुश्ती लड़ा करते थे और हिंदुस्तान में बहुत नाम कमाया। मेरे को भी मट्टी की कुश्ती का ही शौक था। मैं बचपने से आज तक पहलवानी से जुड़ा रहा। मेरे भाई मोहम्मद इसहाक कुरैशी और मेरे वालिद को दिलचस्पी थी पहलवानी से। मेरे को कभी भी पहलवानी में कभी कोई तकलीफ नहीं आई, उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं आई। मैं स्कूलों में जाता था पढ़ने, मेरा दिल वहाँ लगता नहीं था। मेरे बड़े भाई इसहाक कुरैशी ने मेरे से पूछा, भाई तुम पढ़ाई में दिल नहीं लगता है तो कोई ऐसा काम करो जिसमें पूरा हिंदुस्तान तुम्हें पहचानने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को पहलवानी कराइए आप, मैं पहलवानी करूँगा। और इंशाल्लाह उस दिन से आज तक पूरा हिंदुस्तान मेरे को जानता है। आपके बड़े भाई और आपके पिताजी के सहयोग के बाद आगे आपके परिवार ने आपकी कुश्ती को किस नजर से देखा और आपका क्या सहयोग किया? मेरे को खान पीन में पहलवानी की खुराकों में बड़ी मदद करते थे वो। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद मेरा शौक अपने आप में उभरता चला गया। मैंने अपने पोते से साकिब कुरैशी से पहलवानी शुरू कर गई, वो कुछ कुश्तियाँ जीता भी है, 15-20 कुश्तियाँ लड़ा, कुछ मेडल वगैरह जीता और आज भी पहलवानी कर रहा है। मेरा लक्ष्य है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने देश का नाम, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम, अपने देश का नाम चमका। इसके बाद एक और नजरिया आता है उस वक्त की पहलवानी में और आज। उस वक्त पहलवानी को लेकर जो बात लोगों के दिल में आती थी, उस वक्त का जो पहलवान हुआ करता था वो मोहल्ले का बड़ा हुआ करता था। बच्चे उसका पांव छूते थे और अपने मोहल्ले के कई मसले वो अपने घर की जाजम पे बैठ के निपटा दिया करता था, एक इज्जत वाला मर्तबा रहता था। लेकिन आज आप खुद जानते हैं कि पहलवानी मतलब कहां किस स्तर पर जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहलवानी का तो मामला आजकल क्या है कि थोड़ा सा लोगों ने पहलवानी को, हर आदमी को पहलवान का नाम दे दिया है। गुंडागर्दी मारामारी करने वालों को भी लोग पहलवान बोलने लगे, इसकी वजह से पहलवानी का स्तर गिरता चला जा रहा है। पहले बड़ा एहतराम करते थे पहलवान का, बड़ी इज्जत की नजरों से देखते थे, मोहल्ले की माँ बहनों का ख्याल रखा जाता था और अपने मोहल्ले के अंदर जो विवाद हुआ करते थे वो अपने घर बुलाकर बिठाकर पहलवान उस मसलों को निपटाया करता था। अब वो बातें सब खत्म होती चली जा रही है। कई बार इंदौर का नाम रोशन करने के लिए गए हैं लेकिन अब वो चीज नजर नहीं आ रही। काफी अरसा हो चुका है कि अब यहाँ से कोई बड़ा पहलवान नहीं निकल पा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है साहब कि पहलवानी का शौक मरता चला जा रहा है। महंगाई चरम स्तर तक पहुंच गई है, वो महंगाई की वजह से लोग पहलवानी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि आजकल बच्चों को शौक भी नहीं रहा पहलवानी का, और जो लोग पहलवानी कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट भी मदद करे तो अपने देश का, प्रदेश का, हिंदुस्तान का नाम वो सभी लोग मिलके बुलंदी पे पहुंचा सकते हैं। रोल आने वाली 15 तारीख को शहर में एक और बड़ा दंगल होने जा रहा है, सितारा इंदौर दंगल, जिसके लिए आप काफी वक्त से मेहनत करते आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने समय से ये दंगल करा रहे हैं और इसमें कहां कहां से पहलवान आएंगे और उसके अंदर क्या क्या
इनामात रहेंगे? भाई मैं तकरीबन 24 सालों से प्रोग्राम सितारा इंदौर के नाम से करवा रहा हूँ। पहले कुछ छोटे छोटे पहलवानों को लड़ा लड़ा के ये आज दंगल इस स्तर तक आ गया कि 10-15 लाख रुपए का खर्चा होता है इसमें। मेरे सहयोगी पहलवानी के शौकीन लोग मेरी बराबर मदद करते हैं और मेरे पदाधिकारी लोग रुपए पैसे के मामले में जब जितने बताता हूँ वो देते हैं, ये उनकी मोहब्बत है। और अभी जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामी पहलवान लड़ने आ रहे हैं उसमें 100 पहलवान भाग लेंगे, तकरीबन 50 कुश्तियां हैं और उसके अंदर करीब 15 तारीख के दिन 3 बजे से प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा और 9-10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह रहमान। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस प्रोग्राम को कामयाब करे। महबूब कुरैशी, दोपहर न्यूज़, इंदौर।